नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीना टिप्स एंड ट्रिक्स में। आप बच्चों से कहेंगे कि आज लंच बॉक्स में लौकी रखी है तो बच्चे वहीं स्टैचू हो जाएंगे, लेकिन जब आप लंच बॉक्स खोलकर दिखाएंगे तो कहेंगे अभी खा लें। तो चलिए, आज हम ऐसी ही 2-in-1 रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिससे बच्चों के लंच बॉक्स भी रेडी हो जाएं और साथ साथ टेस्टी सब्जी भी बन जाए। यहाँ हमने 500 ग्राम लौकी ली है, इसे धोकर छीलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। हमें इसे बड़े छेद वाले पोर्शन से कद्दूकस करना है जिससे लौकी ज़्यादा पानी रिलीज ना करे। अगर लौकी थोड़ी मोटी है तो बीज वाले पोर्शन को हटा दें। अब इस कद्दूकस की हुई लौकी के अंदर जाएगा 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी गेहूं का आटा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 पिंच हींग, 1/4 चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच नमक, 2 हरी मिर्च और लहसुन को कूटकर डालें, 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट का रेस्ट दें जिससे लौकी का मॉइस्चर सभी चीज़ों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। देखिए, लौकी के मॉइस्चर से हमारा बैटर गीला दिख रहा है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह का बैटर तैयार कर लें। इसको बनाने के लिए चम्मच का ही यूज़ करें, हाथ का नहीं। बैटर में एयर रहनी चाहिए। गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएं और उसमें 1 ग्लास पानी डालें और पानी में बॉईल आने का वेट करें। आप स्टीमर का यूज़ भी कर सकते हैं। जब तक पानी में बॉईल आता है, हम एक प्लेट पर ऑयल से ग्रीस करके उसके ऊपर अपना बैटर फैला देते हैं और हल्के गीले हाथों से उसके ऊपर पानी लगा देते हैं जिससे पकने पर यह ऊपर से ज़्यादा ड्राई न लगे। पानी में बॉईल आने लगा है, इसके ऊपर एक चलनी रखकर उसके ऊपर अपने बैटर वाली प्लेट रख दें और ढककर हाई फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए पकाएं। 15-20 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक करें। लौकी का बैटर अच्छे से फूल गया है और हाथों पर चिपक भी नहीं रहा है। चाकू से चेक कर लें कि चाकू क्लीन निकल रहा है या नहीं, और बैटर ने किनारे भी छोड़ दिए हैं। अब गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। लौकी का मिक्स ठंडा हो चुका है, इसके पीसेस कट कर लेते हैं। देखिए कितने इजी से ये पीस कट रहे हैं और देखने में कितने यमी भी लग रहे हैं। सभी पीसेस को प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले कर लेते हैं बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी। गैस पर रखते हैं एक नॉनस्टिक तवा। आप आयरन का तवे के यूज भी कर सकते हैं। तवे पर घी या तेल लगाकर लौकी के आधे पीसेस को हम शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे हेल्दी ही रखना है, इसीलिए इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकें। यहाँ हमने 1 कटोरी दही लिया है। दही हमें खट्टा नहीं लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बना लेते हैं अपनी सब्जी। गैस ऑन करके गैस पर एक कढ़ाई रखें, उसमें 4-5 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होने पर 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 2 पिंच हींग, 2 हरी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग,
चौथाई चम्मच कसूरी मेथी डालें। अब गैस बंद करके दही का जो मसाला तैयार करा था वो डाल दें और कंटिन्यू चलाएं। वापस से गैस ऑन कर दें। दही को जब तक चलाएं जब तक कि उसमें बॉईल नहीं आता। दही को 5-10 मिनट तक अच्छे से पकने दें। दही पक गया है और हल्का गाढ़ा भी हो गया है। अब इसमें 2 हरी मिर्च लंबाई में काटकर और आधा चम्मच नमक डालें। आपको सब्जी को जितना पतला रखना है आप उसमें इतना पानी डाल दें और बॉईल आने दें। बचे हुए लौकी के पीसेस को ग्रेवी में डालकर 5 मिनट तक ढककर पकाएं और गैस बंद करके कसूरी मेथी और धनिया डालकर सर्व करें। तैयार है हमारे लंच के लिए लौकी की सब्जी। लीजिए, तैयार हो गया बच्चों का लंच बॉक्स और एक टेस्टी सब्जी भी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप इस डिश को क्या नाम देना पसंद करेंगे।